Welcome, my dear students, to fifth session on mixtures. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, then subscribe to the channel if you are liking the content and make sure to press the bell icon as well. You can also join the Telegram channel, Methodological, and can message me on Telegram at adi kt. So, first question of the day In a 6.25 liters solution of alcohol and water, रेशियो ऑफ एल्कोल वाटर इज टेन एक्स एक्स अननोन है इस बार रेशियो में कंप्लीटली पता नहीं है एक वैल्यू पता, है, पता नहीं है और वही वैल्यू निकालनी है सिक्स पॉइंट टू फाइव लीटर्स के का है वाटर

जिसमें कि हम वाटर ऐड करने वाले हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि नहीं ऐड कर रहे हैं तो एल्कोहल का वैल्यू 10 is to ratio, वैल्यू वैल्यू हमारा इनिशियली और फाइनली भी भी सेम सेम आना आना चाहिए, चाहिए, फाइनल तो अगर टोटल अमाउंट कितना है सिक्स पॉइंट टू फाइव लीटर्स है

दैट इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव रीटर्स तो रेशियो आ जाएगा हमारा टू पॉइंट फाइव इस टू इस टू थ्री का रेशियो क्वेश्चन पूछा था एक सेकेंड एक्स की वैल्यू पूछी थी ना एक्स के लिए हमें अगर वैल्यू टेन है टेन इसके लिए वैल्यू के बन इन टू फाइव करोगे तो टेन इंस टू फिफ्टीन आ जाएगा वैल्यू हमारा टेन इस टू फिफ्टीन वैल्यू आएगा ऑप्शन डी का आंसर आएगा इज दैट क्लियर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वेल हैज्वेल्व एम एल सोल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर 12 एम एल सोल्यूशन है मिल्क एंड वाटर का एंड एंडेन्स ट्वेंटी परसेंट मिल्क 20 परसेंट मिल्क करता है 20 इंप्लाइज यानी कि मिल्क है, है 1 unit, हमारा है वन यूनिट अगर टोटल मिक्सचर हमारा है फाइव यूनिट तो एक्स एम एल मिल्क इज एडेड टू वेसल टू रिवर्स द रेशियो जो एक्सटिंग रेशियो है उसका उलट रेशियो हो जाता है ठीक है ओके हालांकि यहाँ पे इनिशियली रेशो है इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो फोर बात एक ही है, है क्योंकि रेशियो रिवर्स कर रहा तो भी be so, है तो इनशियली रेशो यहां चाहिए मच बेटरस्टैंडिंग मिल्क और वॉटर का रेशियोन का रेशियो हम रिवर्स कर रहे हैं मिल्क और वाटर का so, तो अब रेशो हो जाएगा हमारा फोर इज टू वन का फर्दर वाई एम एल इज एडेड वाटर इज एडेड टू रिवर्स द रेशो वंस अगेन बिकॉज ये मैं नहीं है ना रेशो किस चीज़ का तो मिल्क एंड वाटर का रेशो है उसको रिवर्स करना है और फिर वाई एम एल वाटर एड करते हैं तो उससे हमारा रेशो अगेन रिवर्स हो जाता है और क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा एक्स बी ए कानून है वाई बी ए कानून है और करते हैं उसको इनिशियल रेशो में मिल्क और वाटर है वन इज टू फोर का टोटल सोल्यूशन ट्वेल्व एम एल है यानी कि वन प्लस फोर फाइव यूनिट इज इक्वल टू तो ट्वेल्व ठीक है बट वाटर तो कॉन्स्टेंट रहेगा यानी कि वाटर अगर हमारा इनिशियली फोर यूनिट है तो फाइनली एड करने के बाद भी फोर यूनिट रहने वाला है लेकिन हमारा रेशियो हो जाना चाहिए रिवर्स तो इनिशियल रेशो है वन इस टू फोर का तो चेंज होने के बाद रेशियो होना चाहिए फोर इस टू वन का

यानी कि x की वैल्यू यहां से हमें मिल गई है थर्टी सिक्स देन अगेन हमें इस बार क्या करना है वी वी हैव टू सच दैट रेशियो इज और दिस टाइम आर एडिंग तो डेफिनेटली मिल्क तो सेम रहेगा तो मिल्क को वैसे का वैसा सिक्सटीन लिख दो अब मिल्क सिक्सटीन है और रेशियो फिर से रिवर्स होना है अगेन हो जाएगा वन इस टू तो फोर का तो इफ वन इज इक्वल टू सिक्सटीन फोर विल भीशियल वैल्यू फोर है फाइनल है सिक्सटी फोर यानी कि सिक्सटी हम ऐड करने वाले हैं वाटर और फिफ्टी यूनिट्स है थर्टी सिक्सटी यूनिट्स आ जाएगा हमारा वन फोर्टी फोर एम एल तो so आंसर y बिल बी इक्वल तू 144 तो so x प्लस y बिल बी इक्वल तू 180 180 मल ऑप्शन b विल बी द आंसर ऑप्शन b आंसर हो जाएगा 180 इज दैट क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सफल हैज थ्री वेसल्स a b एंड c विद फोर लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर थ्री वेसल्स a b एंड c ईच हैविंग 4 liters mixture of milk and water. The concentration of milk in each container is 60%, 75%, and 82%, respectively. He pours 1 liter mixture from A to B, then 1 liter mixture from B to C, and finally 1 liter mixture from C to A. So we have to find the milk concentration in vessel A <coughs> at last. So, three vessels are there vessel A, vessel B, and vessel C. And all of them have 4 liters of mixture. ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो अलग अलग है क्योंकि मिल्क का सिक्सटी परसेंट है पहले वेसल में सेवन फाइव परसेंट इंड सेकेंड वेसल एंड एट टू परसेंट इन दर्ड वेसल ओके सो फर्स्ट वेसल से सबसे पहले हम वन लीटर लेंगे और वन लीटर लेने के बाद में ड्रॉप करेंगे वेसल बी में तो वन लीटर फर्स्ट वेसल में हमने सप्रैक्ट कर दिया तो बचेगा थ्री लीटर्स और वेसल बी में फोर लीटर्स तो ऑलरेडी वेसल बी का है ही प्लस वन लीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा फ्रॉम वेसल ए तो so हमें यहाँ पे वे डेवरेज लेना पड़ेगा एलिगेशन करेंगे ठीक तो है वेट एवरेज लें या एलिगेशन करें तो वेसल बी का फोर लीटर्स कंटेंट है वेसल ए का वन लीटर कंटेंट है इन दोनों पे एलिगेशन लगाएं या फिर वेट एवरेज लगा दें ओके तो वेसल ए का कंटेंट है वन लीटर वेसल बी का कंटेंट है फोर लीटर यानी कि कंटेंट का रेशो है वन इटू फोर का और वैसल एम परसेंटेज है सिक्सटी परसेंट वैसल बी में है सेवेंटी फाइव परसेंट तो वेट एवरेज क्या आ जाएगा बहुत ईजी वैल्यूज है तो स्टेटो अवे देख सकते हैं वन इंटू सिक्सटी सिक्सटी प्लस फोर इंटू सेवेंटी फाइव ठीक है वन इंटू सिक्सटी प्लस फोर इंटू सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई वन प्लस दिस विल बी सिक्सटी प्लस थ्री हंड्रेड थ्री सिक्सटी बाई फाइव सेवेंटी टू परसेंट वैल्यू आ जाएगा सेवेंटी टू परसेंट डिविजन से भी कर सकते थे इसीलिए ठीक है अब हमें क्या करना है अब वेसल बी से हम कंटेंट लेंगे और वन लीटर कंटेंट लेके वेसल सी में ड्रॉप करेंगे तो अगर वेसल बी से वेसल सी में कंटेंट ड्रॉप करें तो वेसल बी में बच जाने वाला कितना फोर लीटर बचेगा क्योंकि तो वन लीटर हमने अगेन रिमूव कर दिया है ठीक है और वेसल सी में कंटेंट हो जाएगा फोर लीटर वेसल सी का और ये जो वन लीटर हमने ऐड किया है ठीक है बी में और जब जो हो चुका था चेंज के बाद में ओके तो अब हम लगाते हैं एलिगेशन वेसल बी और वेसल सी में वेसल बी का परसेंटेज अब 75 परसेंट नहीं है 72 परसेंट है बिकॉज वेसल ए का कंटेंट आने के बाद में दैट परसेंटेज ऑफ कंसल्टन ऑफ मिल्क हैज नाउ इट इज है और वेसल सी में हमारा परसेंटेज है एटी परसेंट का और रेशियो क्या है वेसल बी का हमने वन लीटर लिया है और वेसल सी में ऑलरेडी फोर लीटर यानी वन तो का रेशियो है अगेन एलिगेशन लगाते हैं ठीक है तो या तो अगेन करके डिवाइड बाई फाइव कर दो, और या फिर ऐसा देख लो कि कितना दोन परसेंट परसेंट तो वैल्यू वैसे ही है अपना प्लस जो टेन परसेंट एक्स्ट्रा आ रहे है किसके लिए आ रहा है तो टेन इंटू फोर और टोटल कितना है 1 plus 4, यानि कि एटी परसेंटल बी और वैसे सी के कंटेंट का जो रेशियो आएगा एलिगेशन के बाद वेड एवरेज आ गया दैट विल बी एटी परसेंट वेसल सी में अब एटी परसेंट का मिल्क है इज दैट क्लियर थर्ड एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि वेसल बी से हमें वा, वापस वेसल ए में डालना है इस स्टेप में गलती होने का सबसे ज्यादा स्कोप है क्या स्कोप है कि अब जब हम वेसल ए में कंटेंट मिक्स करने वाले हैं तो वेसल ई e में कितना बचा है कंटेंट सिर्फ और सिर्फ थ्री लीटर्स बचा है थ्री लीटर्स बचा है और वेसल सी से तुमने एक लीटर वेसल ए में वापस डाला है ठीक है सो so अब जब हम ऐड करेंगे वेसल ए का परसेंटेज तो अभी उतना ही है सिक्सटी परसेंट

plus 20% into 1 divided by 3 plus 1, 4. So, that would be 65%. So, milk concentration in the vessel A at last will be 65%. Answer will 65%. Is that clear? एक स्टेप में इसको नहीं कर सकते हैं इसको एक एक स्टेप में अलग अलग करना पड़ेगा बिकॉज हम सबको एक साथ नहीं मिक्स कर रहे हैं वैसे ए से एक लीटर लेके बी में डाल रहे हैं तो उससे बी का कंटेंट चेंज होगा फिर बी से सिर्फ वन लीटर ले रहे हैं हम सारा कंटेंट तो नहीं ले रहे हैं। उसका सिर्फ वन लीटर ले रहे हैं और उसको सी में ऐड कर रहे हैं उससे सी का कंसल्टेशन चेंज होगा और फिर लास्टली हम सी से वन लीटर लेके ए में ऐड कर रहे हैं स्टेप बाई स्टेप ही करना पड़ेगा इसको दर इज नो अदर मेथड क्लियर ओके आंसर विल बी सिक्सटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इन वेसल ए एंड बी

लीटर्स मोर द न्यू मिक्सर इन वेसल बी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सर इन वेसल ए तो पहले एक मेथड हो सकता है पहले हम एलिगेशन से करते हैं इसको बिकॉज यहाँ पे क्या है दो चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं और दोनों में मिल्क और वाटर है फाइनली हमारा मिल्क और वाटर आ रहा है और एवरेज वैल्यू भी हमें रेशियो की वैल्यू भी गिवन है तो स्टेट में कर सकते हैं इसको एलिगेशन से पहले करने की कोशिश करते हैं उसके बाद में से कैसे हम एलगेशन बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सो so, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है थ्री फाइव का तो मिल्क और टोटल क्या आएगा मिल्क में एलगेशन लगाते हैं हालांकि तुम तो मिल्क में लगाओगे तो भी चलेगा और वाटर में भी लगाओगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं किसी भी एक में एलिगेशन लगा दो मिल्क में आ जाएगा एलिगेशन में हमारा ए के लिए वेसल ए का जो मिक्सर है थ्री टू फाइव काट है मिल्क थ्री है टोटल हमारा मिक्सर एट हो जाएगा सिमिलरली फॉर वेसल बी फाइव अगर मिल्क है तो टोटल आ जाएगा फाइव प्लस थ्री एट ओके और एवरेज क्या आ रहा है हमारा मिल्क थर्टी वन है टोटल आ जाएगा थर्टी वन प्लस ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब डिनोमीटर सब में सेम कर दो या समझो फिफ्टी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों बातें एक ही है भी तरह से समझ लो फिफ्टी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगा थ्री बाई एट इंटू फिफ्टी सिक्स यानी थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मिल रही 5 फाइव बाई एट फिफ्टी सिक्स फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा थर्टी वन अब एलिगेशन अप्लाई करोगे थर्टी वन माइनस ट्वेंटी वन इज टेन थर्टी फाइव माइनस थर्टी वन इज फोर रेशियो हमारा आ रहा है फोर टू टेन का

मिक्सचर इज ए देयर इन वेसल बी इन वेसल बी और क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि इनिशियल मिक्सचर इन वेसल ए इज एट लीटर मोर देन द न्यू मिक्सचर इन वेसल बी तो न्यू मिक्सचर इन वेसल बी इज वन वन टू तो इनिशियल मिक्सचर इन वेसल ए दैट विल बी वन वन टू प्लस एट विच इज वन ट्वेंटी लीटर और आंसर विल बी वन ओके okay. ठीक है दिस इज वन ऑफ द वेज सेकेंड वे क्या हो सकता है कि हमें इनिशियल मिक्सचर का रेशियो पता है वेसल बी में इनिशियल रेशियो क्या है फाइव इशू सी का रेशो है फाइनल रेशो ही पता है थर्टी वन इशू ट्वेंटी फाइव का रेशो है तो इनिशियल वे रेशो पता है फाइनल रेशो पता है और साथ में हम कितना ऐड कर रहे हैं वेसल ए से थर्टी टू लीटर्स ले रहे हैं जिसका कि रेशियो मिल्क और वाटर का हमें पता है तो so, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं तो उससे भी सॉल्व करके फटाफट से देख लेते हैं वैसे बी में इनिशियल रेशो है हमारा मिल्क और वाटर का फाइव थ्री तो का और फाइनल रेशो आ रहा है हमारा थर्टी वन ट्वेंटी फाइव का अब कितना मिल्क और कितना वाटर ऐड करें ये चेक करना पड़ेगा तो अगर हमारा थ्री एस टू तो फाइव का रेशो है वैसे ए में और हमने लिया कितना है थर्टी टू लीटर्स लिया है रेशो है मिल्क और वाटर का थ्री इस टू फाइव थ्री प्लस फाइव हो गया एट यूनिट्स और एट यूनिट बराबर थर्टी टू के तो वन यूनिट बराबर हो जाएगा फोर के यानी कि ट्वेल्व लीटर्स हमारा मिल्क होगा और ट्वेंटी लीटर्स होगा वाटर तो अगर हमने थर्टी टू लीटर्स टोटल मिक्सचर ऐड किया है वेसल ए से यानी कि ट्वेल्व लीटर्स हमने मिल्क ऐड किया है और ट्वेंटी वाटर ऐड किया है अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आ आ आ गया, गया। जाएगा, यूनिट्स

जो रेशियो होगा उनका दोनों क्वांटिटीज का उनमें से जो जो वैल्यूज नोन होंगी उनके अकॉर्डिंग हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं ओके okay? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे जहाँ पे हमें इनिशियल रेशियो निकालना है ठीक है इनिशियल रेशियो निकालना है क्योंकि हमेशा है जो वन यूनिट का वैल्यू देगा ये इनिशियल रेशियो के लिए देगा और अगर इनिशियल रेशियो में कोई चीज़ अननोन है तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करने की बजाय तुम जैसे एक्स वाले प्रॉपर मेथड होता है ना वैसे सॉल्व करना पड़ेगा फिर उस केस में ठीक है कन्वेंशनल जो मेथड है वैसे सॉल्व करना पड़ेगा या फिर एलिगेशन से यूज़ करोगे ओके एक्स को कैसे एडजस्ट करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेनर कंटेन्स नाइनटी सिक्स लीटर्सेंट इज वाटर है का एक में, जिसमें थर्टी फाइव परसेंट इज वाटर थर्टी फाइव परसेंट मीन सेवन बाई ट्वेंटी वाटर है सेवन क्या है वाटर है और ट्वेंटी टोटल है ट्वेंटी टोटल है यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा वाटर मिल्क होगा थर्टीन और वाटर होगा सेवन थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी गया ठीक है तो कंटेनर में ऑलरेडी नाइनटी सिक्स लीटर्स हमारा मिक्सर है जिसमें कि रेशो है थर्टी टू सेवन मिल्क और वाटर का ट्वेंटी लीटर्स मिक्स को हमने रिमूव किया टेकन आउट एंड टेन लीटर्स मिल्क एंड सिक्सटीन लीटर्स वाटर इज एडेड टू रिमेनिंग मिक्सर बचे हुए मिक्सर में हम क्या ऐड कर रहे हैं टेन लीटर्स मिल्क एड कर रहे हैं सिक्सटी लीटर्स वाटर एड कर रहे हैं ओके okay? तो क्या रिमूव कर रहे हैं हमने ट्वेंटी लीटर्स मिक्सर को ऑलरेडी रिमूव कर दिया बचेगा कितना बचेगा सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सर आफ्टर रिप्लेसमेंट चाहिए क्या है, है हमको वेरी इंपॉर्टेंट हमें सारी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन हमसे क्या पूछा क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस चाहिए और डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सर फाइनल मिक्सर में मिल्क और वाटर के बीच का डिफरेंस क्या होगा बस क्वेश्चन हमसे इतनी सी बात पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है ऐसे समझो लेट अस से हमारे पास इनिशियल जो मिक्सर था उसमें मिल्क और वाटर था मिल्क था ट्वेंटी लीटर्स वाटर था ट्वेंटी फोर लीटर्स ठीक है यानी कि वाटर हमारा फोर लीटर्स ज्यादा था इनिशियल मिक्सचर में जब हमने और इसमें ऐड किया लेटर से हमने मिल्क ऐड किया है इसमें ट्वेल्व लीटर्स और वाटर ऐड किया सिर्फ सिक्स लीटर्स तो अब जो बाद में हमने मिक्सचर ऐड किया है उसमें क्या ज्यादा है उसमें मिल्क ज्यादा है मिल्क ज्यादा है सो, अगर उसमें भी वाटर ज्यादा होता तो डिफरेंस किसका बढ़ता वाटर और मिल्क के बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है तो पहले भी फो लीटर्स हमारा वाटर ज्यादा था और बाद में भी हमारा सिक्स लीटर्स अगर वाटर ही ज़्यादा होता तो टोटल तो हमारा वाटर और मिल्क का डिफरेंस आया था है सिक्स प्लस फोर टेन लीटर्स बट यहाँ पे केस उल्टा है पहले वाले केस में हमारा वाटर फो लीटर्स ज़्यादा है एजन डेढ़ सो और सेकेंड वाले केस में मिल्क सिक्स लीटर ज्यादा है मिल्क सिक्स लीटर ज्यादा है एजन डेढ़ सो यानी कि डिफरेंस क्या आएगा हमारा डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे पहले वाले केस में वाटर ज्यादा था प्लस और दूसरे वाले केस में मिल्क ज्यादा था प्लस तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा टू लीटर्स का जो ऐड करके भी चेक कर सकते हो थर्टी टू एंड थर्टी डिफरेंस आ गया हमारा टू लीटर्स का ठीक है तो बस हमें डिफरेंस निकालने में ये देखना है कि इनिशियल डिफरेंस क्या था और जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं उनका डिफरेंस क्या है और डिफरेंस में क्या बढ़ रहा है पहले वाले केस में डिफरेंस किसका ज्यादा था और दूसरे वाले केस में डिफरेंस किसका ज्यादा था मतलब किसी एक के लिए वो डिफरेंस निकाल लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो यहाँ पे ऐसे देख सकते थे पहले हमारा मिल्क से वाटर फोर लीटर ज्यादा है ठीक है तो वाटर के ऊपर तुमने प्लस फोर लिख दिया सेकंड वाले केस में मिल्क से वाटर कितना है सिक्स लीटर्स कम है तो यहाँ पे माइनस सिक्स लिख दो प्लस फोर माइनस सिक्स किसी एक पे ही लिखना है माइनस टू यानी कि टू का डिफरेंस आया है का डिफरेंस आया इज दैट क्लियर तो यही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें डिफरेंस निकालना है ओके okay? डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे थर्टीन और सेवन के बीच का डिफरेंस कितना है यूनिट्स का टोटल मिक्सचर कितना है ट्वेंटी यूनिट्स तो मिल्क वाटर का डिफरेंस कितना आ जाएगा ज्यादा क्या होगा ज्यादा होगा मिल्क और कितना ज्यादा होगा सिक्स बाई ट्वेंटी इंटू सेवेंटी सिक्स फोर से काटोगे ऊपर बचेगा हमारा नाइनटीन और नीचे बचेगा फाइव सिक्स इंटू नाइनटीन बाई फाइव यानी कि

मिल्क ज़्यादा था और बाद में मिल्क कम है तो दोनों का इंक्लूड करके वैल्यू कितना आ जाएगा? मिल्क हमारा ज्यादा रहेगा यानी डिफरेंस जो होगा मिल्क वाटर का दैट विल ऑप्शन ऑप्शन सी इज दैट क्लियर ठीक है एक बार फिर से इस बात को समझते हैं थोड़ा सा एक लेटर कर देते हैं इसको तो सिक्स लीटर का डिफरेंस आ रहा था हमारा मिल्क और वाटर में इनिशियली और मिल्क हमारा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था मिल्क सिक्स यूनिट और सिक्स यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा सिक्स यूनिट सिक्स बाई ट्वेंटी इंटू सेवेंटी सिक्स नाइनटीन फाइव तो वन वन फोर बाई फाइव यानी कि ट्वेंटी टू पॉइंट एट लीटर्स हमारा मिल्क ज़्यादा है इनिशियल और बाद में हम ऐड कर रहे हैं टेन लीटर्स मिल्क और सिक्सटीन लीटर्स वाटर यानी कि मिल्क हमारा सिक्स लीटर्स कम है तो ट्वेंटी टू पॉइंट एट माइनस सिक्स यानी कि सिक्सटीन पॉइंट एट लीटर्स हमारा मिल्क ज़्यादा होगा ऑप्शन सी क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास ए कंटेन्स बढ़िया सवाल है पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है बट कोशिश करो सॉल्व करने की तो ग्लास ए कंटेंस फोर हंड्रेड एम एल एल्कोहल एंड ग्लास बी कंटेन्स टू ट्वेंटी एम एल वाटर ग्लास ए में फोर हंड्रेड एम एल एल्कोहल है एंड ग्लास बी इज कंटेनिंग टू ट्वेंटी एम एल वाटर एक्स एम एल एल्कोहल इज टेकन आउट फ्रॉम ग्लास ए एंड मिक्सड इन ग्लास बी फिर एक्स हमने रिमूव किया है ग्लास ए से एल्कोहल लिया है और उसको ग्लास बी में एड किया है यानी कि अब ग्लास बी में क्या हो जाएगा नाउ इन बी देयर इज इज एंड वाटर सो ठीक है रेशो आ जाएगा टू अब फिर हमने ग्लास बी से थ्री एक्स एम एल मिक्सचर रिमूव किया है और उस मिक्सचर को हमने एक वैकेंट ग्लास में डाला है थ्री एक्स मिक्सचर इज रिमूव्ड और उस मिक्सचर को हमने एक वैकेंट ग्लास सी में डाला है ओके एंड रेशियो ऑफ वाटर टू एल्कोलिन ग्लाज इलेवन एस टू फोर हमने ग्लास बी से सीधे सीधे मिक्सर रिमूव करके ग्लास सी में डाला है तो क्या हमारा रेशियो में चेंज आएगा जो रेशियो ग्लास बी में होगा फोर एक्सो टू ट्वेंटी का वही सेम रेशियो हमारा ग्लास सी में भी होगा वही सेम रेशियो ग्लास सी में भी होगा सो तो ग्लास सी में रेशियो क्या है एल्कोहल वाटर का ऑर्डर का भी ध्यान देना है ऑर्डर वहां पर चेंज कर दिया है एल्कोलो वाटर का यहाँ पे दिया है वाटर और एल्कोहल का एल्कोलॉ वाटर का रेशियो आ जाएगा फोर इज टू इलेवन का

सिक्सटी एम मिक्सर को रिमूव कर दिया है तो जितना मिक्सचर बचा है उतना ही अल्कोहल बचा होगा रिजल्ट तो जितना हमारा मिक्सर रिमेनिंग है उतना ही अल्कोहल रिमेनिंग होगा तो मिक्सर रिमेनिंग है टू फोर्टी टोटल था थ्री हंड्रेड टू फोर्टी ये रेशियो आ गया हमारा इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी का और अल्कोहल था एटी एम इनिशियली तो इंटू कर दोगे फोर बाय फाइव मिक्सर बचा है एक तरह से क्योंकि तो वन बाय फाइव हमने रिमूव किया है वन बाय फाइव रिमूव किया है तो फोर बाय फाइव बचा है वही फोर बाय फाइव हो गया हमारा टू फोर्टी बाय थ्री हंड्रेड तो फोर बाई फाइव इंटू एटी यानी कि सिक्सटी फोर एम एल इज इक्वल टू एल्कोहल दैट इज रिमेनिंग Option the answer. Okay, okay, here. Next question There was 10 liters of milk in a pot, 3 liters of milk was drawn out of it, and 3 liters of water was added. Further, 4 liters of the mixture of milk and water was drawn out. थ्री लीटर्स ऑफ वाटर वॉज एडेड वट इज दर्सेंटेज इन दू मिक्सर इनिशियली क्या है टेन लीटर्स मिल्क है और थ्रीटर्स वाटर को हमने ऐड किया, हमने किया. कि पहले वाले केस में जितना हम रिमूव कर रहे हैं उतना ही हम ऐड कर रहे हैं चीजें डिस्कस किया था यानी कि पहले वाले केस में हमारा जो क्वान्टिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है इनिशियल भी टेन लीटर्स भी टेन लीटर्स ही होगा पहले वाले प्रोसेस के बाद सेकेंड प्रोसेस में हम फोर लीटर्स मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं और थ्री लीटर्स वाटर को ऐड कर रहे हैं प्रोसेस के बाद में हमारा जो वॉल्यूम है वो चेंज होने वाला है क्वेश्चन हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ मिल्क के बारे में और हम ऐड क्या कर रहे हैं हम वाटर को ऐड कर रहे हैं पहले वाले केस में भी और सेकंड वाले केस में भी वाटर को ऐड कर, तो कर रहे हैं तो किस पे फोकस फोकस करेंगे करेंगे हम मिल्क पे बिकॉज मिल्क को हम ऐड नहीं कर रहे हैं मिल्क को हम ऐड नहीं कर रहे हैं ठीक है तो मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल क्वानिटी क्या आ जाएगा इनिशियल वैल्यू क्या है इनिशियली तो पूरा टेन लीटर हमारा मिल्क ही है तो मिल्क बाई टोटल वैल्यू वन बाई वन यानी कि वन यूनिटी होगा बट इसमें से फिर हमने थ्री लीटर्स मिल्क को आउट किया यानी कि रिमेनिंग कितना बचा रिमेनिंग बचा सेवन सेवन क्वांटिटी बचा और फिर हमने वापस से सिक्स लीटर्स पुट कर दिया तो सेवन प्लस थ्री टोटल हो गया हमारा टेन रिमेनिंग क्वांटिटी सेवन वन इंटू सेवन यानी सेवन लीटर्स मिल्क बचा और टोटल कितने में बचा टेन लीटर्स में बचा तो सेवन बाई टेन हो गया ये तो पहला स्टेप हो गया अगेन फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे अब ये हमारा इनिशियल रेशो आ गया सेकंड स्टेप के लिए फिर हमने फोर लीटर्स मिक्सचर को रिमूव किया है कितने में से टेन लीटर्स था हमारा पहले स्टेप के बाद में भी टेन लीटर्स ही बचा 10 में से फोर रिमूव करोगे कि बचेगा कितना सिक्स लीटर्स बचेगा सिक्स बचा रिमेनिंग बचा और टोटल कितना होगा टोटल हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री नाइन हो जाएगा दिस विल बी मिल्क इन द टोटल मिक्सचर फाइनली तो ये क्या वैल्यू आ गया दिस इज सेवन बाई टेन इंटू सिक्स बाय नाइन यानी टू बाई थ्री टू से भी कटेगा सो सेवन बाई फिफ्टीन आ गया मिल्क और टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो है दैट इज क्वेश्चन तो परसेंटेज पूछा रेशियो पूछता मिल्क और वाटर का टोटल हमारा फिफ्टीन यूनिट्स है से कि मिल्क है सेवन तो वाटर आ जाएगा एट सेवन टू एट का रेशियो आ जाता है बट क्वेश्चन पूछा परसेंटेज बाई फिफ्टीन क्या होगा ठीक है सेवन बाई 15 हमारा हो सिक्स बाई फिफ्टीन प्लस वन बाई फिफ्टीन ठीक है कितना होगा दिस इज फोर्टी परसेंट टू बाई फाइव है और प्लस वन बाई फिफ्टीन क्या होगा सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट दिस इज फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट तो दिस विल बी आंसर क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ ठीक है फिर बाकी नेक्स्ट सेशन में हम सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट के ऐसे ही बहुत सारे केसेस करेंगे ठीक है जहां पे कि सेम क्वालिटी होगा बार बार रिप्लेसमेंट के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होगा या फिर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे ठीक है मजा आएगा तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने डेसिस हैं वो समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन कहीं पर डाउट आता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट अगर सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली उसको लाइक करना है अगर तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना एंड ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल इज ऑल फॉर दिस सेशन बाय बाय टेक केयर की प्लानिंग